Good morning, class. Welcome to the next lecture of marketing research. This lecture may we will discuss about some different scales we use in research. तो हम different types of scales को discuss करेंगे. जब भी हम questionnaire बनाते हैं, तो उसमें we use different types of scales. तो we will discuss different types of scales used in questionnaires today. ये जो स्लाइड्स हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ये चैप्टर 6 की स्लाइड्स हैं, ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसमें से कुछ हिस्सा है विच डील्स विद द टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है. तो हम टाइप्स ऑफ स्केल्स को इसमें से पढ़ेंगे. बाकी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टाइप्स ऑफ स्केल्स, हमने नहीं डिस्कस किया था, वी डिस्कस दैट इन दिस लेक्चर, ठीक है. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स. पहला होता है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. नॉमिनल स्केल क्या होता है? इज वन दैट अलाउज द रिसर्च टू असाइन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स. सो नॉमिनल स्केल ऐसा स्केल होता है जिसमें कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछता हूँ वॉट इज योर डिपार्टमेंट, तो यू कैन बिलोंग टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सर्विसिंग, ठीक है. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप या तो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में या फाइनेंस में या प्रोडक्शन में या पब्लिक रिलेशंस में एंड सो ऑन, ठीक है. सो दीज आर ऑल कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स. ये जो ऑप्शन दी हुई है ना, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सारी कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है. तो यू कैन सी के दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. इसमें आप सिर्फ कैटेगरीज देख सकते हैं. इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉट इज योर जेंडर, तो उसके दो आंसर है मेल और फीमेल. ठीक है, बिकॉज जेंडर की सिर्फ दो कैटेगरीज होती है, ठीक है. फिर नेक्स्ट ऑर्डिनल स्केल होता है हमारे पास. ऑर्डिनल स्केल नॉट ओनली कैटेगराइज वेरिएबल्स इन सच अ वे एज टू डिनोट डिफरेंसेस अमंग वेरियस कैटेगरीज, इट आल्सो रैंक ऑर्डर्स देम, ठीक है. तो जब नॉमिनल स्केल जो है वो सिर्फ कैटेगरीज शो करता है, ऑर्डिनल स्केल जो है कैटेगरीज भी शो करता है और उन कैटेगरीज को रैंक ऑर्डर भी करता है, यानी कि इट ऑर्डर्स दोस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू रैंक. So the ordinal scale helps the researcher to determine the perspective. This is not important. It provides information on how respondents distinguish them by rank ordering them. ठीक है, यानी कि वो it allows respondents to distinguish between categories by rank ordering the categories. ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ what is the highest level of education, ठीक है. अगेन यहाँ पे आपके level of education की different categories दी हुई हैं, ठीक है. तो पहली कैटेगरी इज लेस देन हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल है जीईडी इक्विवेलेंट. जीईडी इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल एजुकेशन. सो हाई स्कूल एजुकेशन नॉर्मली 12 साल की जो एजुकेशन होती है वो हाई स्कूल के बराबर समझी जाती है. तो पाकिस्तान में जीईडी इक्विवेलेंट नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में होता है. उन लोगों के लिए होता है जो बड़े हो जाते हैं और जिन्होंने छोटी उम्र में स्कूल नहीं कम्प्लीट किया होता या स्कूल छोड़ देते हैं, तो एक खास उम्र के बाद जो है वो जीईडी का एग्जाम देके हाई स्कूल की डिग्री ले सकते हैं. फिर कॉलेज डिग्री है, फिर मास्टर्स डिग्री और फिर डॉक्टर डिग्री, ठीक है. तो यहाँ भी हमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन दी हुई है, लाइक हाई स्कूल, कॉलेज डिग्री, मास्टर्स. लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं इन्हें देख के हम ये बता सकते हैं कि लोएस्ट लेवल इनमें से कौन सा है और हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है. जैसे कि हम बता सकते हैं दैट द लोएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इज लेस देन हाई स्कूल, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इज डॉक्टर डिग्री. तो आपके पास जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें जो है ना डिफरेंस आपको नहीं पता होता, उसमें आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी कैटेगरी लोएस्ट लेवल पे कौन सी हाईएस्ट लेवल, बिकॉज उसमें सब कैटेगरीज बराबर होती है, ठीक है. ऑर्डिनल स्केल जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि ऑर्डिनल स्केल जो बताता है कि लोएस्ट कैटेगरी कौन सी और हाईएस्ट कौन सी, ठीक है. सो ऑर्डिनल स्केल आपको इस तरह से बताएगा कि भाई फर्स्ट पोजीशन होल्डर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा. ओके, सो उसके बाद फिर हमारे पास आता है इंटरवल स्केल, ठीक है. नॉर्मल स्केल अलाउज अस ओनली टू क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश ग्रुप्स बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट्स. द ऑर्डिनल स्केल टू रैंक ऑर्डर द प्रेफरेंसेस, द इंटरवल स्केल लेट्स मेजर, ठीक है. तो इंटरवल स्केल जो है इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. इन एडिशन इंटरवल स्केल जो है मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल नंबर 9 पे अगर कोई दो पॉइंट्स हैं तो इंटरवल स्केल विल बी एबल टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू. In other words, it measures the magnitude of the difference between any two points. ठीक है, for example, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, I invest more in my work than I get out of it. ठीक है, तो इसका जवाब आप पांच ऑप्शन में दे सकते हैं. या तो आप नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, या नंबर 2,
या नंबर थ्री या फोर या फाइव. नंबर वन इज द लोएस्ट लेवल, वो कहता है डिसएग्री कम्प्लीटली. नंबर फाइव इज द हाईएस्ट लेवल व्हिच सेज एग्री कम्प्लीटली. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नंबर टू है वो वन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप थ्री चूज करते हैं तो वन से ज़्यादा बड़ा, अगर आप फाइव चूज करते हैं तो इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ वन, यानी कि वो वन से काफ़ी बड़ा होगा. ठीक है, सो ये जो आपका इंटरवल स्केल होता है इट बेसिकली मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, तो सेम अगर आपसे सवाल पूछा जाए फॉर द एफर्ट्स आई पुट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आई गेट मच इन रिटर्न, तो डिसएग्री कम्प्लीटली या अग्री कम्प्लीटली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. तो ये टेम्परेचर का स्केल होता है चाहे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल की एक और खसूसियत होती है कि इसमें जो है ना आपके पास जो जीरो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है. ठीक है, यानी कि यू डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट जीरो, आप एक डेफिनेट जीरो आपके पास नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल को देखें तो उसमें जीरो इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल को देखें तो उसमें जीरो इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इंटरवल स्केल में आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यू कैन चूज जीरो ऑफ योर चॉइस, यानी कि जीरो फिक्स नहीं होता. फिर नेक्स्ट आपका रेशियो स्केल आता है. रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल, लेकिन ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल, लेकिन रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रेशियो स्केल है उसमें आपके पास एक एब्सोल्यूट जीरो होता है. मैंने कहा था कि इंटरवल स्केल में आपके पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, जीरो इज आर्बिट्रेरिली असाइंड. ठीक है, आर्बिट्रेरी जीरो होता है इन योर इंटरवल स्केल. ठीक है, रेशियो स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो नहीं होता, एक एब्सोल्यूट जीरो होता. ठीक है, एंड इट इज वन द मोस्ट पावरफुल ऑफ द फोर स्केल. ठीक है, आपके पास ये जो स्केल है रेशियो स्केल इज द मोस्ट पावर ऑफ द फोर स्केल्स, मेनली बिकॉज इट हैज यूनिक जीरो. तो अगर आप वेइंग मशीन में अपना वेट नापते हैं तो वेइंग मशीन में स्केल दिया होता है वो जीरो से शुरू होता है. ठीक है, सो दिस दैट स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेशियो स्केल. तो ये टेबल इट शोस द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट स्केल्स. नॉर्मल स्केल में आपको डिफरेंस नहीं पता चलता बिटवीन कैटेगरीज, ऑर्डर नहीं होता, यू डोंट नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, देयर इज नो यूनिक ओरिजिन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसकी एग्जांपल इज द मोड. फिर ऑर्डिनल स्केल को देखें तो यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज, ऑर्डर भी होता है बट स्टिल यू कैन नॉट टेल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यूनिक ओरिजिन नहीं होता है तो मीडियन इज एन एग्जाम्पल. फिर इंटरवल स्केल में यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज, ऑर्डर भी बता सकते हैं डिस्टेंस भी बता सकते हैं बट देर इज नो यूनिक ओरिजिन. रेशियो स्केल में सब कुछ यस यस सर. ठीक है, यू कैन टेल द डिफरेंस इन द रेशियो स्केल एज वेल, ऑर्डर भी बता सकते हैं, यू कैन टेल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड देर इज ऑल्सो यूनिक ओरिजिन. सो एरिथमेटिक मीन इज अ गुड एग्जाम्पल. फिर प्रैक्टिकली जो स्केल यूज करते हैं, थ्योरेटिकली स्केल्स फॉल इनटू फोर कैटेगरीज, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ स्केल्स वी यूज. ठीक है, रेटिंग स्केल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस, तो पहला हमारा डाइकोटमी स्केल. डाइकोटमी स्केल के सिर्फ दो आंसर होते हैं, येस और नो. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आर यू एम्प्लॉयड, तो नीचे अगर ऑप्शन हो येस एंड नो तो आप उसमें से या सिर्फ येस चूज करेंगे या नो यूज चूज करेंगे. ठीक है, कैटेगरी स्केल होता है, इट यूजेस मल्टीपल आइटम्स टू एलिसिट अ सिंगल रिस्पांस. सेमांटिक डिफरेंस स्केल है, इट इज यूज्ड टू असेस रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड पर्टिकुलर ब्रांड और एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, फिर न्यूमेरिकल स्केल हमारे पास सिमिलर टू सेमांटिक डिफरेंस स्केल बट विद नंबर्स ऑन अ 5 और 7 पॉइंट्स. न्यूमेरिकल स्केल में आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होंगे 7 तक जा सकते हैं. ठीक है, सिमेंटिक स्केल में 7 तक जाएंगे उससे थोड़े कम होंगे. फिर आर्टिमाइज रेटिंग स्केल है. ठीक है, आर्टिमाइज रेटिंग स्केल इज ऑल्सो अ 5 और 7 पॉइंट स्केल विद एंकर्स एज नीडेड इज प्रोवाइडेड फॉर ईच आइटम एंड रिस्पोंडेंट. ठीक है, तो ये सिमेंटिक डिफरेंस स्केल और लिकर्ट स्केल है, दे आर बोथ टाइप्स ऑफ आर्टिमाइज रेटिंग स्केल. ठीक है, लिकर्ट स्केल में आपके पास 5 पॉइंट स्केल होता है, यानी कि यू कैन चूज अ नंबर फ्रॉम 1. ठीक है, 5 से आगे कोई नंबर अवेलेबल नहीं. सो दैट इज ऑल फॉर द स्केल्स, और आज हम इतना ही करेंगे. सो दैट्स द एंड ऑफ द